नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मेरे साथ पहली बार हुई है, और पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसी घटना घटी हुई है या नहीं घटी हुई है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम कहूँगी मैं क्या कहूँ, आईफोन 6s की बैटरी को लेकर के है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जो बैटरी है मेरे फ़ोन की इस टाइम पे वो है 65%, और टाइम हो रहा है 8:31 रात के बजने वाले हैं। ठीक है गाइस, बैटरी है मेरे पास 65%। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है अगर मैं उसकी बात करूँ तो, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने इसको सुबह चार्ज किया था। लास्ट चार्ज लेवल जो है मेरा वो है 10:12 पर सुबह का 57% का, और इस टाइम बैटरी आप लोग देख रहे हो वो है 65%। तो यहाँ पे 7-8% जो बैटरी है वो मेरी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैटरी मेरा इंक्रीज हुआ है। अगर मैंने इसको दोबारा से चार्ज किया होता तो यहाँ पे जो लास्ट चार्ज लेवल है वो भी यहाँ पे दिख रहा होता, और वो लास्ट चार्ज लेवल आप लोग देख रहे होंगे वो आपको दिख रहा होगा 10:12 सुबह का, और आज अभी टाइम हो रहा है 10:32 शाम के हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोई फोटो नहीं है, रियल में आप लोग देख सकते हो। और ये प्रॉब्लम जो है मेरे साथ पहली बार हो रही है मेरे इस आईफोन 6s में। अगर आप मुझे बहुत दिनों से देख रहे हो तो आपको पता होगा मैं अपने आईफोन 6s के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस ला चुका हूँ, और अभी 3-4 दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। तो आज यानी कि आज आप लोग डेट देख लीजिएगा, इस 11 तारीख है यहाँ पे, और वेडनेसडे आपको दिख रहा होगा अगस्त, ठीक है, और रात के बज रहे हैं 8:30। तो ये मैंने अभी फ़ोन ऐसे ही यूज़ किया तो मैंने कहा चलो इसको बैटरी देखते हैं, और बैटरी क्या मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 iPhones और हैं। तो मैं अपना अभी इस टाइम पे 6s सॉरी अपना जो है ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। वो सुबह मैंने इसको ऐसे चार्ज कर लिया था अपडेट्स के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए, सुबह 10:12 पे मैंने इसको चार्ज किया था 57%, और इस टाइम पे 65% बैटरी है। ये बैटरी ज़्यादा कहाँ से आ गई मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, और करीब 22 महीने से इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, 21 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 1.5 सालों में कभी ऐसा मुझे मेरे साथ नहीं हुआ इस आईफोन 6s में। इवन मेरे पास XR भी पड़ा है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, और इसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ। इसमें पता नहीं इस बार आज मुझे ऐसा क्या हो गया इस फ़ोन में। ये मुझे कोई टेक्निकल इशू लग रहा है बैटरी को लेकर के इस फ़ोन में, क्योंकि काफ़ी लोगों की समस्या ये भी आ रही थी कि उनके फ़ोन जो है ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस फ़ोन में ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पर ऑटोमेटिक चार्ज कहाँ से हो गया वो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। और या फिर हो सकता है मैं इसको भी दोबारा से चार्जिंग में लगाऊँ और दोबारा से ये अपना अपडेट होगा, रिफ्रेश होगा, तो उस हिसाब से हो सकता है बाद में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ऐप्स यहाँ पे कोई भी फालतू की थर्ड पार्टी ऐप वगैरह भी नहीं जिसका कोई और इशू हो गया हो मेरे फ़ोन में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास हुई है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे साथ तो ये पहली बार घटा हुआ है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम पहली बार हुआ है मेरे साथ में। पता नहीं क्या है ये, हो सकता है कुछ इशू हो गया हो इसका टाइम को लेकर के, या पता नहीं। टाइम तो यहाँ पे सही है, अगर मैं टाइम की बात करूँ 8:34 हो रहे हैं। इस फ़ोन में गलत हो सकता है, इस फ़ोन में गलत हो सकता है, कहीं भी गलत नहीं, 8:34 ही है, और पता नहीं ऐसा क्या हो गया इस फ़ोन में। सो फिलहाल बैटरी बैकअप इसका ठीक ठाक है क्योंकि मैं तो इसको यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे नई आईडी से मैंने बनाया है सब कुछ, बस आप लोगों के वीडियोस के लिए फ़ोन रखा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं इस समय करता हूँ। सारे काम मेरे अपने ऐसे ही से हो रहे हैं आजकल। तो इसकी भी वीडियोज़ आएंगी और XR की भी अभी वीडियो आने वाली, तभी थोड़ा ठीक होने दो, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। और ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई है या नहीं हुई है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस बारे में अगर आपको जानकारी है तो वो भी आप प्लीज़ थोड़ा अगर डिस्कस कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम पहली बार हुई है। सो मिलते हैं आप लोगों को फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।